ये राजनीतिक लड़ाई है और हमारे पास राजनीतिक लड़ाई जीतने का मात्र एक ही साधन है, यहां के मूलवासी और आदिवासियों का आशीर्वाद और सहयोग। आज कहीं ना कहीं पूरे देश में यह चर्चा है कि झारखंड में वर्तमान पूर्ण बहुमत में सरकार टिकाने का, सरकार बनने के दूसरे दिन से ही शुरुआत होती है और तथाकथित कुछ हमारे मूलवासी आदिवासी दलाल किस्म के लोग हमारे विपक्षों के साथ मिलकर हमारे इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको बता दूं, ये आप जो आपका षड्यंत्र 20 साल तक चला, अब इस राज्य का 3.25 करोड़ लोग आपके इस षड्यंत्र को पहचान चुका है और जान चुका है। और यही वजह है कि 2019 में ये डबल इंजन की सरकार का एक इंजन को उठा करके छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। अब थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, क्योंकि 20 साल तक ये लोग जिस था चौक की तरह चिपका हुआ था, जहां तहां कोना कोना में, अब दूसरा राजनीतिक जब लड़ाई होगा उसमें बचा कुचा जितना लोग है, ये षड्यंत्रकारी लोग है, इन लोग को एक एक करके उठा करके बाहर भेज देंगे। आज सरकार की लोकप्रियता, आज जिस तरीके से सरकार गांव गांव पंचायत टोला टोला में जाकर के इस राज्य के ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और आज जिस तरीके से इन षड्यंत्रकारियों को कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये लोग अपने पुराने पापों का टिकरा वर्तमान सरकार के मथे में फोड़ने का काम कर रहा है। कल हम यहां जांच एजेंसी ईडी के यहां गए थे, लगभग 7-8 घंटे तक उन लोगों का अपना सवाल जवाब होता रहा। हमने उनसे कहा, क्या जो आरोप आपने लगाया है, क्या ये आरोप 2 साल में पूरा हो सकता है? तो उनका कहना है, ये 2 साल का आरोप हमने नहीं लगाया। तो हमने ये कहा, जब 2 साल का आरोप नहीं है तो 10 साल का भी क्यों नहीं बोलते हो भाई? हमने उनको आश्वस्त किया है, आप दूध का दूध पानी का पानी करो, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो सरकार का पूर्ण समर्थन एजेंसियों को मिलेगा। लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई करोगे तो उसका भी विरोध हम लोग करने की ताकत रखते हैं।